ये क्या हो रहा है, ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और पूरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है, पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यहाँ मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर वन टीमें किया करती है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस वक्त, तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो जब इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। और 150 रन ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत कम रन है, लेकिन अपनी बॉलिंग से देखें, यही एक पार्टनरशिप होती है, टीम वर्क होता है, कि बैट्समैनों से इतने ज्यादा रन नहीं हुए तो बॉलिंग ने उस टीम को कमबैक करवाया और जबरदस्त बॉलिंग किया तीनों फास्ट बॉलर्स ने। और बहुत ही शानदार अंदाज में आज जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, 4 विकेट हासिल किए, सिराज ने 2 विकेट हासिल की। इब्तदाई तौर पर इंडिया मैच में वापस जरूर आया है 150 पर आउट होने के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया भारत से आसान कंडीशन में ये इनिंग खेला है, क्योंकि वो जो 1.5 से 2 घंटे थे मॉइस्चर वाले, वो भारत खेल गया था, उसमें आउट हो गया। अब ये जो टाइम था, ये स्कोरों वाला टाइम था, उस टाइम पे बुमराह आया और बुमराह ने 3 अर्ली विकेट लेके जो धचका दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो पूरा दिन उससे रिकवर कर नहीं पाए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये टेस्ट मैच दो दिन या आप ये कहें कि तीसरे दिन के लंच के अंदर अंदर तक मैच खत्म हो जाएगा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 7 आउट तो हो गए ऑस्ट्रेलिया के। और मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने जो एक बुरा टाइम था वो भुला के एक नया दिन, नई टेस्ट सीरीज में जो स्टार्ट किया, वो दिखाया कि इंडियन टीम नंबर वन है। और जैसे इन्होंने पहला दिन खत्म किया, जैसे ये क्या हो रहा है, ये भारत खेल रहा है, ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और पूरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है, पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यहाँ मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर वन टीमें किया करती हैं। भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब, वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसे बराबर किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा, और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पोंटिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे, और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने, चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ के स्टेडियम के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा नजर आया। बैटिंग की बात करें, इंडियन टीम की बैटिंग बहुत ज्यादा लड़खड़ाने से मुराद यह कि बैटिंग बिल्कुल जीरो हो गई। पूरी की पूरी टीम सिर्फ 150 पर आउट हो गई, जो कि बहुत मामूली टारगेट है। लेकिन सबसे बड़ा जलवा दिखाया बुमराह ने, बुमराह के सर पे आई कैप्टनसी, और बुमराह ने निभाया कैप्टनसी का फर्ज। बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, 10 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने 10 ओवर के अंदर सिर्फ 17 रन निकाले और सिर्फ 4 शिकार किए। 4 शिकार बड़े बड़े करने का मतलब है पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम बुक हो गई। उसके बाद बुमराह का साथ दिया मोहम्मद सिराज ने, मोहम्मद सिराज के 2 शिकार और नीतीश का 1 शिकार, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी 70 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जितना टारगेट बकाया है 80 रन का, जो कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। वसीम अकरम कहना है कि आज के मैच में एक मौके पर लगा कि इंडिया के हाथ से मैच निकल गया है, लेकिन बाद में बुमराह आए और बुमराह ने मैच संभाल लिया। बुमराह ने मैच को संभाला और बिलखसूस बुमराह ने मैच को ऐसा संभाला, 4 शिकार किए और 4 बड़े शिकार करने के बाद बुमराह ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को हिला दिया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, और आज इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की जरूरत थी और स्ट्रॉन्ग बॉलिंग इंडिया की नजर आई। इंडिया की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। बहुत बड़े बड़े नाम स्मिथ के अलावा बहुत बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग स्टार्ट वाले डग आउट पे, यानी कि 0 रन पर ही आउट हो गए, डग पर ही आउट हो गए। इससे मुराद ये है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिलखसूल बुमराह का माइंडसेट। बुमराह के बाद जानते हैं कुछ भी हो जाए, मुझे अगर कैप्टनसी दी गई है तो कैप्टनसी के अंदर पहला मैच में किसी भी सूरत नहीं हारूंगा।
को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है, उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने, बैटिंग के बाद जिस तरह अभी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की मेरी तरफ से अर्ली विकेट्स, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां चार चांद लगाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड थे इस छोटे टोटल के बाद जो कि बुमराह ने नए बॉल से दिए, तीन इंपॉर्टेंट विकेट ली और कुछ समझ नहीं आ सका ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। बॉल भी खा रहे थे, यू नो प्लेन मिस भी बार बार हो रहे थे और छातियों पे भी बॉल लगे हैं। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली से गिर गया, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी, लबुशान को लाइफ भी मिली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत हाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भारत से आसान कंडीशन में ये इनिंग खेला है, क्योंकि वो जो 1.5 से 2 घंटे थे मॉइस्चर वाले वो भारत खेल गया था और उसमें आउट हो गया। अब ये जो टाइम था ये स्कोरों वाला टाइम था, उस टाइम पे बुमराह आया और बुमराह ने तीन अर्ली विकेट्स लेके जो धचका यू नो दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो पूरा दिन उससे रिकवर कर नहीं पाए हैं। और कोई भी बल्लेबाज जो है, जिस तरह लेबुशान भी आप देखें स्ट्रगल करते रहे 40 बॉलों पे एक ही स्कोर बनाने में कामयाब रहा, इट शोज कि इंडिया वर रूथलेस। आपने एक सोए शेर को जगाया है, उनके हाथ में एक सिचुएशन आई तो उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उठने नहीं दिया आज पूरा दिन अपनी बॉलिंग के अंदर। पहला टेस्ट मैच आज स्टार्ट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये टेस्ट मैच पर्थ पे था और मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस वक्त। तो जब मैच स्टार्ट हुआ, तो जब इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए, तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है, कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पर्थ के अलावा अगर कोई और पिच होती ना, तो मैं ये समझता कि शायद यार बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उसके बाद ना रोहित शर्मा खेला, ना शुभमन गिल खेला, के राहुल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, आखिरी 8-10 इनिंग के अंदर आई थिंक 150 किए होंगे। विराट कोहली का भी यही हाल है। तो अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं इंडिया की, जिसकी वजह से बुमराह ने सोचा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, उस हिसाब से तो बैटिंग बिल्कुल फॉर्म नहीं है। ऋषभ पंत ने 37 किए, नतीश रेड्डी जिसका आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं डेब्यू था उनका, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। इन दोनों की अगर रन देखें तो आई थिंक 78 रन किए। तो ये जो 78 रन ये दोनों कर गए, ये बड़े क्रूशल इन्होंने जो है वो रन किए। 150 रन पे जब टीम आउट हुई, तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, ये आइडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन तो हमने नहीं किए, लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है, लाइन और लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। जितने भी बॉलर देख ले, सिराज को देख